अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक के अंदर केन नेट के फ्रिल लगाने का तरीका देखेंगे कि हम अम्ब्रेला फ्रॉक के अंदर केन नेट की जो फ्रिल आती है, जो हम घेर में अटैच करते हैं, वो किस तरह से लगाते हैं। उसके लिए हमने ये अम्ब्रेला अस्तर का कपड़ा कट करके रख लिया है। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है, ये हमने पहले अस्तर का घेर कट कर लिया है। उसी तरह से हमने ये नेट का भी अम्ब्रेला घेर कट कर लिया है। हमारे ये दोनों घेरे, ये ऊपर का नेट का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर का था। इसके अंदर हमें जो हमारा नेट का कपड़ा है, इसके अंदर हमें फ्रिल पट्टी लगा के देखना है। उसके लिए हमने ये इस तरह से ये फ्रिल पट्टी ली है। ये हमारी केन नेट की फ्रिल पट्टी, ये हमें घेर में अटैच करते हुए देखना है कि हम ये घेर में किस तरह से अटैच करते हैं। ये लगाने के बाद हमारे फ्रॉक की खूबसूरती और भी दो गुना बढ़ जाती है और बहुत ही खूबसूरत रेडीमेड फ्रॉक की तरह हमारा फ्रॉक स्टाइलिश दिखता है। तो देखते हैं हमारे ये फ्रॉक के अंदर हम किस तरह से लगा सकते हैं। इसके लिए हमने ये एक घेर कट कर लिया है और इसके ऊपर और एक घेर हमने अटैच किया है, जो कि हमारे फ्रॉक के ऊपर वन साइड में आएगा। देखते हैं हमारा घेर किस तरह से है, फिर हम नेट की पट्टी लगाने का तरीका देखेंगे। ये हमने इस तरह से ये हमारा वन साइड घेर कट कर लिया है। ये हमारे कमर का नाप है, ये देखिए इस तरह से हमारा ये घेर रहेगा। ये हमारे कमर का नाप है और ये जहाँ पे हमारे फ्रॉक के अम्ब्रेला घेर के फ्रॉक की जहाँ पे सिलाई आएगी, ये भाग वहां पे अटैच हो जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा घेर तैयार करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम ये खूबसूरत घेर तैयार कर सकते हैं। हम पहले एक दूसरे पे अटैच करने का तरीका देखेंगे और फिर उसके बाद केन नेट की पट्टी इसमें लगाने का तरीका देखेंगे। हम पहले घेर अटैच कर लेंगे। जो घेर है, हम इसमें सबसे पहले हमारा जो केन नेट की जो फ्रिल पट्टी है, हम पहले वो अटैच करने का तरीका देखेंगे। तो देखते हैं हम इसमें फ्रिल पट्टी किस तरह से अटैच करेंगे। ये हमारा कमर का भाग, जहाँ पे हमारे कमर का भाग है, जिधर से हमने गोलाई ली है, वहाँ पे हम इसे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे इस तरह से रखते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। हमें पहले इस तरह से आधे इंच पे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये आधे इंच पे सिलते हुए हमारा ये पूरा घेर को नेट ये लगा दिया है। अब इसे फोल्ड करते हुए किस तरह से हम सिलाई लगाएंगे वो देखेंगे। ये हमने इस तरह से पूरी आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए इसी तरह से हम पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने हमारे ऊपर के घेर को इस तरह से ये पूरी फ्रिल लगा ली है। ये हमारा पूरा घेर इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम हमारा जो अम्ब्रेला घेर जो कटिंग करके रखा हुआ है, उसके अंदर हम ये अटैच करने का तरीका देखेंगे। पहले हम उसे वन साइड से सिलाई लगाते हुए पूरा घेर को गोल घेरे पे अटैच कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और फिर बाद में ये उसे अटैच करते हुए ये फ्रिल पट्टी किस तरह से अटैच करते हैं वो देखेंगे। ये हमारा फुल अम्ब्रेला घेर, इसकी साइड से हमें पहले इधर की साइड भी ओपन है और उधर की साइड भी ओपन है। एक साइड पहले हम आधे इंच पे सिलाई लगाकर इसे पैक कर लेंगे, क्योंकि दूसरे साइड से हमने जो पहले घेर तैयार किया है वो दूसरे साइड से हमें अटैच करते हुए फिर उसके नीचे फ्रिल पट्टी लगानी है। पहले हम इस पे आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने हमारे अम्ब्रेले के एक साइड से ये आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम हमारी ये जो नेट पट्टी है, ये नेट पट्टी हम जिस तरह से हमने पहले घेर में अटैच की है, उसी तरह से हम इसके निचले घेर में भी अटैच कर लेंगे। ये हमारा जो नीचे से जो ये घेर तैयार हुआ है, इस पर भी हम इसी तरह से आधे इंच पे इस तरह से रखते हुए, इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे घेर के अंदर हम ये केन पट्टी अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने
हमने ये हमारा जो फुल अम्ब्रेला घेर था इसके अंदर ये केन नेट की फ्रिल इस तरह से लगा ली है। हमारा पूरा घेर ये तैयार है। अब हमने जो पहले जो घेर तैयार किया था, ये हमारा पहला घेर, ये इस पे हम जो हमारी ये जो खुली साइड है, एक साइड हमने पैक कर दी थी और एक साइड हमने इस तरह से ये ओपन रखी थी। जिधर से हमारी ये साइड ओपन है उसी साइड से हम ये हमारा जो तैयार घेर है, ये घेर को हमें कमर में अटैच करते हुए इस तरह से रखना है। और ये हमारा घेर, और जिधर से ओपन है वहाँ पे हम इसे इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे और कमर में यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। एक साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये घेर अटैच हो जाएगा। फिर हम अस्तर अटैच करने का तरीका देखेंगे। यहाँ पे हमें आधे इंच पे सिलाई लगा लेनी है पहले। ये देखिए हमने इसे कमर में सिलाई लगाते हुए और साइड की सिलाई लगाते हुए हमारा ये सामने वाला जो डिजाइन वाला घेर है ये हमने इस पे अटैच कर लिया है। अब इसके कमर के घेरे में हम हमारा जो अस्तर है वो अस्तर अटैच करके हमारा ये पूरा घेर तैयार कर लेंगे। ये हमारा अस्तर वाला घेर है, ये हमें इसके अंदर इसी तरह से कमर में अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से अटैच करते हुए हमारे ये जो कमर की गोलाई है इसमें इस तरह से पकड़ेंगे। इस तरह से रखते हुए हम ये जहाँ पे हमारी स्टिचिंग आ रही है, जहाँ पे हमारी सिलाई है, वहां से इसके कमर के घेरे को इस तरह से पकड़ते हुए पूरे गोलाई में आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये अम्ब्रेला घेर तैयार हो गया है। हमने इसमें केन नेट की पट्टी लगाकर ये देखिए कितना खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक तरीके से, जिस तरह से हम रेडीमेड फ्रॉक में फ्रिल देखते हैं उसी तरह से हम ये फ्रिल लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई वीडियो पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।